हेलो क्यूरियस पीपल, मैं हूं सम्राट धवन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसे हम इंडियंस चमत्कार के रूप में देखते हैं। और आपने भी कभी ना कभी तो ऐसी गाय या भैंस के बारे में सुना होगा जो अपने बछड़े को जन्म दिए बगैर ही, या यूं कहें प्रेग्नेंट हुए बगैर ही दूध प्रोड्यूस कर रही हो। क्या आप भी इसे चमत्कार मानते हैं? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। और यदि आप भी ऐसे ही क्यूरियस क्वेश्चंस का आंसर जानना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दूध एक ऐसा तरल पदार्थ जिसे स्तनधारी जीवों में मादा अपने बच्चों के जन्म के बाद प्रोड्यूस करती है। इस दूध को मादा सिर्फ कुछ महीनों तक ही प्रोड्यूस करती है, जब तक कि उनका बच्चा बाहरी एनवायरनमेंट से प्राप्त भोजन को पचाने में पूर्णतः सक्षम न हो जाए। सभी जीवों के बच्चे सिर्फ अपनी प्रजाति की मादा का ही दूध पीते हैं, और वो भी कुछ महीने। लेकिन हम इंसान एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से जीवों का दूध पीते हैं। खैर, अन्य जानवरों का दूध हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना खतरनाक, यह तो किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम इंसानों ने दूध को या दूध से बने प्रोडक्ट्स को अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट बना ही लिया है कि इसका प्रोडक्शन जितना हो उतना कम है। अब इस दूध के अधिक से अधिक उत्पादन के लिए विदेशों में बिना प्रेग्नेंट गाय या भैंसों से इसका उत्पादन कराया जाता है। अब यह कैसे संभव है, चलिए इसको समझते हैं। हमारे शरीर में किसी भी काम को सही ढंग से चलाने के लिए हमारी बॉडी में उपस्थित ग्रंथियां हार्मोन रिलीज करती हैं। जैसे हमें नींद के लिए मेलाटोनिन, ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन, खुशी महसूस कराने के लिए डोपामिन, उसी ही प्रकार फीमेल बॉडी में दूध के उत्पादन के लिए प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है। लेकिन यह हार्मोन तब रिलीज होता है जब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इस ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन मादा में दूध के निष्कासन तथा प्रसव क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी मादा को इन दोनों हार्मोन प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दिए जाएं, तो मादा बिना बच्चे को जन्म दिए ही दूध का उत्पादन करेगी। वहीं इन हार्मोन का इंजेक्शन मादा को बच्चे के जन्म के बाद लगा दिए जाएं, तो वह अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करेगी। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट मादा जानवरों से दूध का उत्पादन कराना हमारे देश इंडिया में बैन है। दूसरा कारण जो नॉन प्रेग्नेंट मादा जानवरों से दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, वह फीमेल बॉडी में किसी कारण से इन हार्मोन का रिलीज होना है, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। हालांकि इसकी वजह अभी तक साइंटिस्टों को पता नहीं है कि ऐसा आखिर क्यों होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह कोई चमत्कार नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर करें। यदि आपका भी कोई चमत्कारी क्वेश्चन है और आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करें। और हाँ, चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर लाता रहूँगा।